अस्सलाम वालेकुम, एम डॉक्टर जाहिद इमरान। कीटो डाइट के बारे में बात करूंगा कि जिनको डॉक्टर कीटो डाइट रिकमेंड करते हैं उनके कीटो डाइट का मेन मकसद ये होता है कि वेट को लॉस करना। आपका जो बॉडी वेट है वो लॉस होता है कीटो डाइट पे, या फिर हम शुगर या फिर कैंसर वाले पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं। कीटो डाइट के बारे में इससे पहले मेरी वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो में मैंने बता दिया है कि कीटो डाइट में कितनी प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट और कितनी फैट्स होनी चाहिए। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। कीटो डाइट पे आने के बाद कीटो डाइट का जो फर्स्ट मंथ है कि पहले महीने में आपने कीटो डाइट में क्या क्या खाना है और कब खाना है, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। कीटो डाइट में आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट मतलब सुबह नाश्ते में आप दो अंडे, और दो अंडों को आप एक चम्मच देसी घी या फिर एक चम्मच ऑलिव ऑयल, इन दोनों में से कोई सी ले लें और पैन में दो अंडों को फ्राई कर लें। काली मिर्च का पाउडर या फिर सूखा धनिया का पाउडर या जीरा डाल लें। साथ नाश्ते में आप ऑलपर या नेस्ले का मिल्क पैक की क्रीम आती है, वो क्रीम तीन चम्मच आप एक कप में मिक्स कर लें ताकि वो दूध की तरह का हो जाए, और फिर उसमें एक कप पानी डाल लें। वो मिक्स करके आप चूल्हे पे रख लें, उसमें तीन या दो इलायची डाल लें, उसको थोड़ा सा पका लें। जो लोग दूध पत्ती पीते हैं सुबह में, उनके लिए ये दूध पत्ती का अल्टरनेट है कि आप ये क्रीम वाली चाय पिएं। ये सुबह नाश्ता हो गया, अब हम लंच की बात करेंगे। लंच में आपके पास चार ऑप्शन हैं, मीट में मटन है, बीफ है, चिकन है और फिश है। इन चारों में से आप कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। 100 या 150 ग्राम आप चिकन ले लें, फिश ले लें, मटन ले लें या बीफ ले लें। उसको आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल में, या फिर कोकोनट ऑयल ना हो आपके पास तो फिर देसी घी ले लें, एक चम्मच देसी घी ले लें। उसमें आप जो है वो आप दो चम्मच प्याज बारीक काट लें और आधा टमाटर ले लें, उसको आप काट लें, उनको फ्राई कर लें। फिर आप काली मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर या ज़ीरा आप डाल लें। ये एक डिश हो गई। दूसरी डिश आप जो है वो सब्ज़ी, लौकी है, कद्दू है, बैंगन है, ब्रोकली है, उसको आप जो है वो मिक्स कर लें, काट के मिक्स कर लें, और उनको आप इसी तरह एक चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर एक चम्मच देसी घी, इन दोनों में से एक आप पैन में डाल के फ्राई कर लें। और ये इसको भी जो है वो इसमें भी आप काली मिर्च का पाउडर या सूखा धनिया का पाउडर या ज़ीरा मिक्स कर लें और चम्मच से खाएं। फिर जो है वो इसके साथ आप लंच में आप सैलड ले सकते हैं, सलाद में हरे पत्तों वाली सब्जियां, खीरा या फिर टमाटर, थोड़े से टमाटर ले सकते हैं, पालक के पत्ते ले सकते हैं, इसी तरह चकंदर ले सकते हैं। ये चीज़ें आप सलाद में ले सकते हैं। ये आपका लंच हो गया। और फिर अब हम डिनर की बात करें तो लंच और डिनर के दरमियान में आप क्रीम वाली जो चाय मैंने बताई थी कि ब्रेकफास्ट में लेनी है, वो क्रीम वाली चाय सेम उसी तरह जिस तरह आपने नाश्ते में बनाई थी, वो चाय आप दोपहर में लंच के बाद दो घंटे के बाद आप ले सकते हैं। बादाम है, अखरोट है या फिर पीनट है, आप 20 या 30 ग्राम ले सकते हैं। और उसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट का वाटर रखें। इलेक्ट्रोलाइट का वाटर आप घर पे आप खुद तैयार कर लें, एक या डेढ़ लीटर आप पानी ले लें, उसमें आप 1/4 चम्मच, एक चौथाई चम्मच जो है वो नमक का डाल, नमक को पानी में मिक्स कर लें और वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर अपने पास रखें, जब भी प्यास लगे वो पानी पिएं। अब हम डिनर की बात करें तो डिनर में भी सेम लंच की तरह आपके पास चार ऑप्शन हैं। मटन है, बीफ है, फिश है, चिकन है, इन चारों में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं डिनर में।
इसी तरह सेम दोपहर में जैसे आपने लंच में आपने ये दो डिशें तैयार की थी, इसी तरह आप दो डिशें आप डिनर में तैयार कर सकते हैं और आप डिनर आपका तैयार हो गया, डिनर ले सकते हैं। ये कीटो डाइट में चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और कीटो डाइट में आपका जो वज़न है 8 से 10 किलोग्राम वज़न कम होगा। अल्लाह हाफिज़।